क्या बनाया आपने? मैंने इसको दुखी बनाया है क्योंकि ये बुढ़ी हो चुकी है और इसकी मूछ और दाढ़ी सफेद है। सफेद मूछ और दाढ़ी वाली, क्या बोलते हैं इसको? लेडी लेडी बर्ड। बग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये नज़ारा देख के कैसा लग रहा है आपको? हम श्योर आपको अच्छा ही लग रहा होगा और आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस तरीके से तो व्लॉग की शुरुआत आगे से नहीं होती थी। लेकिन आज आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने एफर्ट लगा के ये क्लिप एक ऐड की है अपने व्लॉग में। ये है मेरी नानी का गाँव, मेरी मम्मी का गाँव और मेरा गाँव भी आप कह सकते हैं। और मैंने सोचा है कि चलिए, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और आप लोगों को जैसे पिछले व्लॉग्स में प्रॉमिस भी किया था कि आपको ले चलूँगी पहाड़ों की सैर पर, तो ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। तो मेरी नानी का जो घर है, ये है मेरा कज़न छोटा काकू और पता नहीं इसने क्या उठाया हुआ था, बकरी थी शायद। तो चलिए आगे बताती हूँ मैं आपको। ये है मेरी नानी का घर और उसके ऊपर की टेरेस से ये क्लिप जो है मेरे पापा जी ने ली है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे क्लिप लेकर एक मुझे सेंड करें सो दैट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं अपना बेसिक, हम लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं, अपनी रूट्स आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो ये सुंदर सा गांव आपको नज़र आ रहा है और बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। सनसेट का टाइम है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लिप ज़रूर पसंद आएगा और फ्यूचर में मैं आप लोगों को ज़रूर लेके चलूँगी उत्तराखंड और अपने गाँव के अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरा बहुत मन है ऐसा करने का। यहाँ से आप देख सकते हो और वो नीचे देख सकते हो आप, वो नदी है बिल्कुल, हमारे यहाँ पे गदन बोलते हैं इसको। तो नीचे ये पूर्वी नयार है अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो। यहाँ भी मैं आपको ले चलूँगी और बचपन में हम लोग पानी में, तो खैर बच्चों को इंटरेस्ट होता ही है लेकिन फिर भी हम लोग बचपन में थोड़ा डरा करते थे वहाँ जाने से क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। और सुंदर सी ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं, सनसेट का समय हो रहा है। आई एम श्योर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और तो ये है मेरी नानी का गांव और ये पहाड़ी जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इस पहाड़ी के ऊपर है मेरी दादी का गांव और वहां भी मैं आपको लेके चलूँगी ज़रूर। और बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हैं और ये है शायद कुकी, मेरे मामा जी की लड़की, मेरी कज़न। और कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर आ जाते हैं अपने बैक टू रूटीन पर। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 11 और आज हमारा दिन है कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव करने का। तो कलर्स यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास पड़े हुए हैं, कुछ क्षितिज के स्कूल के कलर्स हैं, कुछ हमारे मेरे पर्सनली ख़रीदे हुए कलर्स हैं जो मैं अपने लिए यूज़ के लिए रखती थी और आज मेरा मन है कुछ कलर्स के साथ खेलने का। तो उसके लिए हम पुराने जो है दिए जो होते हैं दिवाली पे यूज़ किए हुए, उनको यूज़ करने वाले हैं। जनरली तो क्या करते हैं हम लोग, उन दियों को फेंक देते हैं लेकिन मैंने वो दिवाली के टाइम से संभाल के रखे हैं और आज हम उनको ही डेकोरेट करने वाले हैं। मेरे को मोटा ब्रश चाहिए या फ्लैट वाला? वापिस रख दो। है कौन और यहाँ पे? तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारी अपनी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है और साथ में मैं क्षितिज को डांट भी रही हूँ। पता नहीं इसने क्या कर दिया था, शायद कुछ गिरा दिया था और मैं उसे डांट रही थी। तो चलिए काम शुरू करते हैं डेकोरेट करने का। सबसे पहले मैं रेड कलर ले रही हूँ, कुछ एक मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर लेडी बर्ग्स और कुछ ऐसे ही डिज़ाइन बना लेंगे जो भी पसंद आएगा मन में। क्रिएटिविटी तो अच्छी लगती है किसी भी तरीके की क्यों ना हो। तो सबसे पहले मैंने एक ये दिया ले लिया है, इसको रेड कलर में पेंट किया है और तीन एक्चुअली मैंने सोचा है लेडी बग्स बनाने का। तो देखते हैं क्या बन के आता है और आप लोग के साथ तो इस व्लॉग में पता चल ही जाएगा आप लोगों को। सो अपने बचपन की बात बताऊं अगर मैं आपको, तो मैं हमेशा से ड्राइंग में, क्रिएटिविटी में, आर्ट में, मतलब मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है लेकिन मैं ड्राइंग में उतनी अच्छी नहीं थी बचपन में भी। लेकिन जब भी कोई कंपटीशन होता था, जैसे ड्राइंग कंपटीशन कोई स्कूल में हो रहा है, तो मैं पार्ट ज़रूर लेती थी उसमें। और मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी तो वो पढ़ने में भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी और ये क्रिएटिव कामों में, ड्राइंग वगैरह में भी काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे हमेशा से शौक था बनाने का कि मैं बहुत अच्छा बनाऊँ लेकिन मुझे उतना बनाना नहीं आता था। और अब फिर बाद में तो धीरे धीरे हमारे पास जब ऑप्शंस होती हैं तो अब तो मैं कॉपी करके तो कुछ भी बना सकती हूँ लेकिन स्टिल
मेरा बन बहुत होता है, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ इस तरीके से करती रहती हूँ। कभी कोई कलरिंग बुक उठा के मैं उसको कलर करने लग जाती हूँ, कभी कुछ पेंट से कुछ खेल लिया करते हैं कभी थोड़ा बहुत, और बस इसी कोशिश में आज मैंने ये भी उठा लिए हैं दिएज, और कलर होने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये, और इनको डेकोरेट भी कर लिया है। थोड़ा थोड़ा जो भी समझ में आ रहा है वो मैं करती जा रही हूँ, और मैं इजी रख रही हूँ वैसे इसको, क्योंकि क्षितिज भी लगा हुआ है, तो बच्चों का ऐसा होता ही है ना, पेरेंट्स को देखकर बच्चों का भी वही मन होता है करने का जो पेरेंट्स करते हैं, तो वो भी लगा हुआ है साथ में, तो मैंने उसको भी बोला कि चलो कुछ इसी बहाने कर ले, अदरवाइज़ उसको ज़्यादा इसमें ड्राॅइंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा एक दिया तो कंप्लीट हो ही चुका है, बाकी रेड वाले जो हैं मैंने वो देखो पेंट करके सुखाने के लिए रखे हैं, और वो सूख जाएंगे तब उसमें बाकी की कलाकारियाँ होंगी। तो ये हो गया है एक, एक्चुअली मैं चाह रही थी कुछ मशरूम्स भी बनाऊं, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। तो ये एक लेडी बग मैं बना रही हूँ, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ये है इसका माउथ, और यहाँ पर हम कुछ करेंगे थोड़ी सी डेकोरेशन। तो ये मैंने इसका माउथ बना लिया है, और इसके बाद जा रही है इसकी ये डॉट्स बनाई, डॉट्स लगाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, बट स्टिल मैंने ब्रश के ना पीछे वाले हिस्से को यूज़ कर लिया डॉट्स लगाने के लिए, और हम श्योर ही अच्छी बन के आएगी, और मैं इनको अपने टेरेस गार्डन में फिर सजाने वाली हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। और ये क्षितिज ने एक येलो वाला पेंट कर लिया है पीछे, पता नहीं क्या बनाएगा ये इसका। तो ये देखो ये डॉट्स तो कंप्लीट हो गए हैं, ये देखो अच्छी लग रही है ना, ऐसे लगने लग गई लेडी बर्ड जैसी। तो थोड़ी इसके फीचर्स बना देते हैं हम, आईज, इसके बाद इसकी नोज, और फिर इसको स्माइली दे दिया मैंने, एक स्माइली बना दी मैंने, स्माइली वाली लेडी बर्ड। और आप लोगों में से किस किस को ऐसे क्रिएटिव काम करने पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो ये है फाइनल जो हमने ये डेकोरेशन से कर ली है, और इसमें से आप देख सकते हो तीन तरह की लेडी बर्ड्स निकल आई, एक गुस्से वाली, ये है हल्क होगन वाली, ठीक है, तो ये नॉडी ने बनाया है हल्क होगन इसके ऊपर, और ये स्माइली, और ये विदाउट स्माइल, गुस्से में सम, ये फ्लैग भी नज़र आ रहा है आपको, और कुछ डिज़ाइंस, और ये क्षितिज की जो पीछे बनाए हुए ना वो येलो और वाइट, ऐसे लग रहा है जैसे स्नैक्स हों तो आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छे लग रहे होंगे। सो फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग इतना ही है छोटा सा, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, हर बंदा चाहता है कि हम पहाड़ों के सैर पर जाएं, बट कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होता है, वो उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ों की खूबसूरती हम सबको अपनी तरफ खींचती है। उसी कोशिश में मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ अपने गांव की, अपनी नानी के गांव की शेयर की है, अपनी मम्मी के गांव की, आशा करती हूँ आप लोगों को वो पसंद आएगी, और अगर थोड़ा सा भी कहीं पर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड साथ में कमेंट्स के लिए मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड आउट करूँगी, तो मैं अभी भी उस बात पर कायम हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़े से कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स चाहिए आप लोगों के, थोड़े से इलैबोरेटिव कमेंट्स चाहिए, जस्ट आप लोग नाइस लिख दें और कुछ स्माइलीज दे दें तो उनको पढ़ने की कोई रेलेवेंस नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, एटलीस्ट एक वन लाइनर तो हो जो मैं पढ़ सकूं, और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी वो भी आप मुझे बता सकते हो, सो दैट कमेंट्स रीड करने का कोई मीनिंग हो एटलीस्ट। तो बस यही मुझे आप लोगों से इस व्लॉग में कहना था, छोटा सा व्लॉग है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और बहुत जल्दी जब ये सब ठीक हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा,
तो कोशिश करूंगी, और ऐसा मैं चाहती हूँ कि हम लोग गांव जाएं और मैं आप लोगों के साथ वहाँ के डिटेल व्लॉग्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि लाइफ गांव की लाइफ बहुत सिंपल होती है लेकिन बहुत फैसिनेटिंग भी नहीं होती है और इंटरेस्टिंग ज़रूर होती है, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अभी तो हम लोगों का जाना उतना नहीं होता लेकिन बचपन में हम लोग जाया करते थे, तो मैं यही सोचती हूँ कि अच्छे थे वो दिन जो हमने वहाँ पे कुछ जो टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया, जो वहाँ का कल्चर, जो वहाँ की लाइफ हम लोगों ने देखी, तो उसे आज हम लोग याद कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर सकती हूँ। अगर हम लोग नहीं जाते तो फिर ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती और शायद इतना मिस भी नहीं कर पाती, तो इसीलिए हम सबको अपने गाँव जाना चाहिए। हम सब कहीं ना कहीं, हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाएँ बट बैकग्राउंड में हम कहीं ना कहीं सब गाँव से ही जुड़े हुए हैं, तो इसलिए अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए और अपने बच्चों को ये कल्चर सिखाना बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो बस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, आपने थोड़ा सा डिटेल लिखी है सो दैट मैं पढ़ सकूँ। तो जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सी यू देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ। वैसे कहीं कहीं ऑफिस खुल गए हैं, लोगों को जाना भी पड़ रहा है, बट अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, अपनी सेफ्टी पूरी रखिएगा और सेफ रहिए। बाय बाय।